मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। कल रात में मुमरा के सैनिक नगर के एक कारखाने में भयानक आग लग गई थी और कारखाना चलाने वाले जो है खुर्शीद अहमद कुरैशी ने कहा था कि उनके एक रिश्तेदार जो उनके साले लगते हैं अहमद, उन्होंने जो है कारखाने में आग लगाया है और इसी तरह से जो वो अपनी पत्नी पर भी आरोप लगा रहे थे गलत तरीके से। लेकिन इन पे कितनी सच्चाई है, क्या जो खुर्शीद आरोप लगा रहे हैं वो आरोप सही हैं या गलत हैं, हमारे साथ यहाँ पर अहमद और खुर्शीद की पत्नी भी मौजूद हैं, हम उन्हीं से बात करते हैं। जो आग लगाने की बात आ रही है सामने कि कारखाने में आपने आग लगाई थी, तो क्या ये बात सही है? सर देखिए, मेरी भांजी एडमिट थी, उसने मेरे जीजा ने में से 29,000 रुपये मैंने उसको कर्ज़ा दिया। कल के दिन मैंने उससे पैसा मांगा, उसने नहीं दिया। परसों के दिन ये लोग का कुछ वहाँ मोहल्ले में झगड़ा हुआ था, जिसमें इसके डैडी को जो बिलाल खुर्शीद कुरैशी है, वो बिलाल को ना वहाँ पर लड़के लोग ने 4-5 लाफा मारे। वो मारने की वजह से, शर्मिंदगी से उसने ऐसा चले गया। तब वो कल मैंने जब पैसा मेरा मांगा, क्या मतलब मैंने किससे कर्जा लिया था वो मेरे को पे करने बोल रहा है, तूने मेरे को 15 तारीख का टाइम दिया था, आज वो पैसा तू दे रहा नहीं है, मेरे को दे देना भाई कुछ तो दे। तो उसने रिप्लाई नहीं दिया। मैंने आपको मैसेज दिखा दिया था, चाहिए तो मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ। ये हॉस्पिटल का एस्टीमेट है, 75,000 का एस्टीमेट है। हाँ, इसमें मैंने कितनों से कर्जा लिया ये अभी फ़िलहाल ये देखो, ये रिपोर्ट्स, दो बार कलुआ में एडमिट किया हूँ, वो अपनी बच्ची को देखने तक नहीं आया। उसका 650 रुपये का दूध का डब्बा आता है, उसकी औकात नहीं एक दूध का डब्बा खरीद सके। तो अभी उसमें कैसा है ना, और उसने मेरे ऊपर एक इल्ज़ाम लगाया कि मैं ड्रग सप्लायर हूँ, बराबर, ठीक है। अगर मैं हूँ तो मेरे को गिरफ्तार करें, क्योंकि प्रूफ के साथ ही मेरे को कर सकते ना, लेकिन हम लोग ऐसा कुछ नहीं है। वो खुद ड्रग सप्लायर लोग के साथ बैठता उठता, वो लोग ने उसको आइडिया दिए। इंशाल्लाह मैं सबका प्रूफ है ना, सब एक स्क्रीनशॉट नहीं तो एक वीडियो के साथ, मैं जो ड्रग सप्लाई की बात करें ना, उनकी वीडियो ला के मैं आपको पेश करूँगा, ये मेरी गारंटी है। क्यों? क्योंकि आज मेरे ऊपर झूठा इल्ज़ाम है ना। तो और वहाँ पर है ना CCTV कैमरे लगे हुए, तो आप मेरी फेसबुक की फ़ोटो दिखा के बोलते हो क्या ये था? अगर मैं ऐसे कितने लोग की फ़ोटो दिखा दूँ आपको क्या ये था, तो आप उस बेस पे किसके ऊपर इल्ज़ाम डाल सकते? नहीं, ठीक है, आपने डाले क्योंकि आपको जैसा मिला वहाँ से। तो वही बोल रहा हूँ, वहाँ पर CCTV कैमरे देखिए, और अपने मुमरा पुलिस चौकी वाले सीनियर लोग इतना अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे हैं, वो खुद देख सकते ना, वो खुद इतने समझदार हैं, उनको समझ में आता क्रिमिनल कौन है क्या, वो अपने खुफिया तरीके से जांच करेंगे। हाँ, मैं आरोपी रहूँगा, एक फ़ोन मारो मेरे को, मैं खुद हाजिर हो जाऊँगा। अब मैं हूँ नहीं तो फिर मैं क्यों डरूँ? खुर्शीद का कहना है कि आपसे उनसे विवाद हुआ था और आपने कहा था कि जो है हम आपके कारखाने में आग लगा देंगे। नहीं, ऐसा कुछ विवाद नहीं हुआ था। एक विवाद हुआ था जिसमें मैंने क्या बोला था, मैं तेरे को नहीं तेरे अब्बा को मारूंगा या तेरे भाई को मारूंगा, जो है साहब मैं किससे झूठने बोलता हूँ। ये जो बिलाल है उसका बाप मोटा सा, उसको मैं मारने की बात किया था, उसके टाइप का लड़का है शालम, तो उसको मैं मारने की बात किया था, क्योंकि वो कैसा जब भी मिलता था लेडीज़ लोग की तरह हरकत करता था मेरे साथ, तो उसको मैं ये बोला तू मार खाएगा। मैंने गाला जलाने वलाने की बात नहीं, क्योंकि परसों के दिन इन लोग का विवाद हुआ, ये बात हम लोग तक आई कि तुम्हारे ससुर को ऐसा ऐसा लोगों ने मारे, 4-5 चप्पल मार दिए। तो अभी हम लोग सुने तो तकलीफ़ हुई, तो हम लोग वहाँ गए बातचीत करने, क्या हुआ कैसे हुआ, तो वो बात पे शायद इन लोगों ने खुद गाला जलाया, क्योंकि कल के दिन मैंने मेरा पैसा मांगा हो, इसने एक रिप्लाई नहीं दिया, सिर्फ पूछा कौन, तो मिला अहमद, बोल रहा हूँ भाई मेरे को सामने वाले को पैसा देना है। हाँ, ये मैसेज मैं नहीं दिखाऊँगा, उसके बाद खुद प्रूफ रखा हुआ है, प्रूफ है ना उसके बाद खुद है। अगर मैं यहाँ से दिखाऊंगा तो बोले यार मैसेज डिलीट किया, ये किया, वो तो डिलीट नहीं किया रहेगा ना, अगर मैंने ऐसी कुछ वार्निंग दिया रहूँगा उसको, या फ़ोन रिकॉर्डिंग होगी, कुछ तो होगा ना। CCTV कैमरा है ना, वो पूरे मोहल्ले में सबके मोबाइल में कनेक्ट है, आप सबका कैमरा चेक कर लीजिए। अगर मैं मिलता हूँ, एक फ़ोन मारिए मेरे को, मैं खुद हाजिर हो जाऊँगा। आप जो ये हॉस्पिटल का दिखा रहे हैं अमाउंट, ये किसका है, किसका इलाज करा रहे थे आप? ये मेरी भांजी है 3 महीने की, इसकी अगर ये दिमाग की इधर नस नहीं मिली होती ना, तो शायद ये ज़िंदा नहीं होती आज। हमको इसकी जान की फिक्र थी, हम लोग ने इससे उससे कर्जा लिए, हमारा दागीना 25,000 में गिरवी रख के सब कहां-कहां से कर्जा लेके उसको करे। अब मैंने एक जगह से चेक लिया, बोला भाई मेरा अकाउंट तो है नहीं, आप डायरेक्ट हॉस्पिटल का नाम कर। खुर्शीद अहमद कुरैशी उन्हीं की लड़की है, ये खुर्शीद अहमद कुरैशी की लड़की, ये जो बोल रहे ना क्या मतलब गाला खोले थे यहाँ जो विधवा औरतें उनके लिए, जब तू अपनी पोती का इलाज नहीं करवा सकता, तू अपनी बेटी का इलाज नहीं करवा सकता, तो दूसरे का पेट क्या पालेगा? तो ये इलाज किसने कराया फिर? ये सब इलाज मैंने, मेरे डैडी ने इससे उससे कर्जा लिए,
जो मेरी सैलरी थोड़ी बहुत वो सब मिला के शिवाजी हॉस्पिटल से लेके MGM हॉस्पिटल तक 90,000 के ऊपर गया है। तो आप पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं आग लगाने का, वो पूरी तरह से गलत। बिल्कुल गलत है। अब अगर मेरे को पैसा आपसे लेना है 29,000-30,000 तो आप क्या कर सकते हैं? अच्छा, आपके ऊपर भी जो आपके पति हैं खुर्शीद अहमद कुरैशी, वो भी आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो क्या इल्ज़ाम सही है वो या गलत है? क्या झूठ है? देखो, अगर मैं गलत बोलूँगी, इनकी जो वकील है, नुसरत नाम है उसका, हमारा केस मतलब अभी भी चौकी में, आप चल के पता कर सकते हो, NC मैंने की थी, तो वो वहाँ पे आई थी, वहाँ पे खुल्ला बोलती इसका पीछा छोड़ दो, डिवोर्स दिलाने के लिए मैं खड़ी होती हूँ, और मैं मतलब कैसे भी फंसा के कुछ भी करके पीछा छुड़ा दूँगी। मेरी जो ननद है ना रुबीना पता, मलिक है उन, अभी तो शादी हो गई है, मैं जब से ये हुई है वो घर पे आती थी, जब भी आती थी तब भी झगड़ा मुझसे करती थी, हर कोई मेरे को सता, ये बच्ची ऐसी नहीं कमजोरी है, शुरू से लेके आज तक सोनू के नाम। घर में झगड़ा होने का वजह क्या होता है? झगड़ा देखो, पहली बात तो ये लोग शादी किए झूठ, फर्जी शादी बोल के, इनकी पहले एक शादी हो चुकी थी, एक 3 साल का बच्चा अमृत नगर में पहली वाइफ रहती है, और अभी भी डिवोर्स नहीं हुआ है। मुझे बोले ये इसका कोर्ट मैरिज का है, तो मुझे नहीं मालूम क्या होता कोर्ट मैरिज होता है कि क्या होता है, मेरे को साइन करा लिया लेके भाग गए। ठीक है, आज वो पेपर मुझे दिखा के बोलते हैं तुझे सब मालूम था, मैंने सब बताया था कि मेरी पहली शादी हुई थी, कोर्ट केस में चल रहा है, ऐसा है वैसा है, तो आज क्यों ऐसा कर रहे हो? अगर सही होते तो पहली औरत क्यों जाती? मैं गलत हूँ, पहली औरत गलत हो, आप ही सही हो। और बच्ची जब से हुई एक रुपया कोई खर्चे को नहीं देता, हॉस्पिटल में 3 बार मैंने एडमिट करी, बाप फिर भी देखने आता है, पर घर से कोई भी मेरे ससुराल से एक जन नहीं आए देखने के लिए। वो बोलते हैं मैं दूसरों की मदद करता हूँ, विधवा औरत लोग की मदद करता हूँ, पोती है खुद की, खून है खुद का, उसकी क्यों नहीं करते हो? इसका तो करना चाहिए ना। अभी कुछ खर्चा वगैरह या फिर बच्चे के इलाज में कुछ पैसा वगैरह और कुछ ऐसा आपकी मदद नहीं करते, आपका फिर खर्चा वगैरह कौन देता? कुछ भी नहीं, बोलते हैं मायके में है, मायके वाले सारा खर्चा उठाएंगे, सिर्फ एक बार दूध का डब्बा दिलाए थे, वो भी मैं इतना बोली थी तो अभी एक हफ्ता पहले, बोलते हैं मायके में जब तक रहेगी, जब तक मेरे ससुर खुद बोलते हैं कि तू मायके में है वहीं का फ़र्ज़ बनता है, हमारा कुछ नहीं फ़र्ज़ होता, ऐसा होता है मायके वाले ही सब करते, शादी कर दे इसका मतलब मायके वाले ही सब खर्चा उठाएंगे। 8वां महीना चल रहा था, रातों रात मेरे को घर पे भेज दिए, भगा दिए कि वहीं जाना, डिलीवरी कराना, वहीं पे तुम्हारी माँ बाप का होता है सब कुछ। आखिर ऐसा आपके साथ वो लोग क्यों कर रहे हैं, कुछ इसकी वजह पूर्ण तरीके से बताएं? बता सकते हैं, बोलते हैं डिलीवरी का, पहले डिलीवरी का खर्चा माँ बाप का होता, मानती हूँ माँ बाप का होता, पर उसका भी कुछ रीति रिवाज होता, वैसे भेजते ना, तुम लोग रातों रात मुझे भगा दिए। उनकी मेन बात देखो, जो छोटी बहन है ना रुबीना नाम है, वही जो बोलेगी घर में होगा। मेरे ससुर 17 दिन की थी, उठा के लेके भाग गए। मैंने फ़ोन की मेरी सास को, मतलब अम्मी सलाम पहले की, तो बोले सब ठीक है, मैं बोली सब ठीक है। कहाँ से लेके भाग गए? घर पे से, मेरे 17 दिन की थी, 17 दिन की थी, उठा के लेके चले गए। तो मैं बोली, फ़ोन की मैंने, जब देखी 4 घंटा हो गया, 3:30 बजे लेके गए थे, 6:30 मगरिब की टाइम हो गई, तो मैंने जब फ़ोन करी तो मेरी सास से सलाम की, फिर हाल चाल लिए, बोलते मैं बोली अम्मी बच्चे को लेके आए नहीं, लेके चले गए थे, तो क्या बोलते तू पाल नहीं सकती, हम लोग पाल लेंगे, डब्बे का दूध लगा दूँ। मैं बोली किससे पूछ के लगा, किसकी इतनी हिम्मत हुई, मेरे बच्चे को कुछ हो जाएगा मैं किसी को छोड़ूंगी नहीं, मैंने कोई गलत बोली? मेरा बच्चा मैं सवाल नहीं करूँगी? फिर उसके बाद मेरे अब्बा बोले ठीक है जा चौकी में कंप्लेन कर, पर हम लोग गए पर किए नहीं। आप पता कर सकते हो, कंप्लेन होगी तो हमको तो पेपर मिलेगा, वो बोलते तू कंप्लेन करके हमारे पास सबूत है, जब मैं कंप्लेन करूँगी तो आपके पास कैसे पेपर रहेगा, मुझे ये बताइए। फिर उसके बाद मेरी जो आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं व्हाट्सएप को लेकर, कि व्हाट्सएप पे बात होती थी, क्या ये बात सही है या गलत? एक बात बताइए, मैं भी चैटिंग करूँगी, मेरा जब आप मोबाइल यूज़ करते हो तो मुझे क्या मालूम आप क्या करते हो क्या नहीं करते हो, मैं तो कॉल करती हूँ बात करती हूँ, अभी भी घर पे हूँ ना, उनको सारा डिटेल घर पे मिलता है, मैं जिससे भी बात करती हूँ तो सारा कॉल तो उनको ट्रांसफ़र होता है कि किससे मैंने बात की मैसेज की, तो मैं क्या करूँगी मुझे बताइए। जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो सही है या गलत है?
गलत है। अच्छा एक बात, मैं क्यों हिंदू को मैं जानते हुए क्यों जिंदा मक्खी निकलूंगी, क्यों मैं झूठ बोलूंगी, मेरे को दूसरी शादी क्यों करनी है अपने बाल बच्चों। आप क्या कहेंगे जो आपके दामाद हैं, जैसा कि देखा जा रहा है कि जो बच्चा है इसका भी इलाज नहीं करा रहे, इन पर भी गलत तरीके से इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मैं यही जानती हूँ ये लोग झूठ बोल रहे हैं, बेबुनियाद है इन लोग का। बोलता है मैं विधवा औरतों के लिए मैं सब करता हूँ, तो विधवा औरतों के लिए करता है, और यह जो मर रही है बच्ची इसका कुछ नहीं दे सकता है, इसको भी तो कुछ करना चाहिए। मत कर, हाय जब तक नानी नाना मामा जिंदा हैं तब तक हम संभाल लेंगे, उसके बाद क्या करेगा। मेरे से बोला मेरा लड़का है अच्छा कमाता खाता, मुझे चढ़ाया, मैं मेरी कमजोरी देख के शादी कर दी, क्योंकि मेरे आदमी को मार लगी थी, उसका इन लोग ने मौके का फ़ायदा उठाए, बोले लड़का अच्छा है, ऐसा शादी हुई थी उसका तलाक हो गया है, बाद में मुझे मालूम पड़ा निके के बाद एक लड़का भी है, केस चल रहा है, तलाक भी नहीं हुआ, शादी का जो आप लोगों को बाद में पता चला। हाँ, और ये लोग बोले कि पेपर आप लोग के पास कुछ भी इल्ज़ाम नहीं आएगा, जब पूरा पक्का हो गया दिन तारीख पकड़ी गई तो तीन पेपर लेके आए मेरे पास, बोले ये पेपर ये तुम लोग साइन कर देना, तुम लोग को कुछ भी नहीं होएगा। तो फिर आज वकील को लेके क्यों चौकी में जाते हो। ये बिलाल जाके चौकी में पैसा भरा, चौकी में पैसा भरने के बाद नजराना के पास फ़ोन लगाया, नजराना उसके पास, ये कट नहीं करना भाई, हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कट नहीं करना, दिखना चाहिए उन लोग को। तो मेरे खिड़की दरवाज़ा खिड़की वो सब तोड़वाया, दुनिया भर की गाली सुन दिलाया, दरवाजा खाली जरा सी लगा था, हम लोग कोई नहीं बचता था, पांच छह आदमी जितने उधर के थे आदमी, इन लोग के इधर के वो कारखाने जो जला है उसके नीचे जो है उन लोग कोई नहीं था, उन लोग होते तो भी हम लोग बच जाते, लेकिन कोई नहीं हमारी तरफ से बोला, सबको पैसा खिलाया, सबको अपनी तरफ खींचा, लेकिन हम तब भी सब्र करके हम अपना रूम खाली कर दिए। हालांकि रूम वाले को भी इतना टोचन किए, हमारा एग्रीमेंट था हम नहीं खाली कर सकते थे, लेकिन मैं बोली ये रोज़ रोज़ की किरकिरी अच्छी नहीं है, मैं किरकिरी की वजह से खाली कर दी, नहीं तो उसके बाप बिलाल क्या उसके साथ पुश्त जो गड़ा होता वो भी नहीं खाली करवा सकता था। लेकिन मैं अपना उसके मारे इज्जत, जो इज्जतदार रहेगा वो किरकिरी नहीं समझेगा, नहीं बर्दाश्त करेगा, हट जाएगा, बेहतर समझता है। तो आपने सुना कि जिस तरह से खुर्शीद ने जो अपने साले अहमद के ऊपर और अपनी पत्नी के ऊपर आरोप लगाया था, इन दोनों लोगों ने उस आरोप को खारिज किया है। दोनों लोगों का कहना है कि जितने भी आरोप खुर्शीद लगा रहा है वो पूरी तरह से गलत हैं और झूठ है। हालांकि खुर्शीद का कहना है कि यहाँ पर CCTV कैमरे लगे हैं, आग किसने लगाई है इसका पता CCTV कैमरे से चल जाएगा, लेकिन जिस तरह से उसने बयान दिया था, कहा था कि उसके साले अहमद ने आग लगाया, लेकिन उसने इनकार कर दिया है। कैमरामैन सलमान के साथ इस्लामुद्दीन खान, प्रहार टाइम्स, मुमरा। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।